प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। एक और नया विषय, एक और नई कड़ी, एक और नया एपिसोड, और उसी के साथ हमारा वो आग्रह विनम्रता से कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें और अपने विषय, अपने विचार, अपने सुझाव हमें भेजेंगे तो हम उन विषयों को लेने में भी हम सक्षम होंगे जो विषय आपके मन में उमड़ते घुमड़ते हैं और आप चाहते हैं कि उन पर हमारे विद्वान वक्ता की टिप्पणी और दर्शन और टीका सामने आए। हमारा नंबर है 7000-969-440, आपकी स्क्रीन पर है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय सरल भी है और गूढ़ भी है। संसार का जो खेला है, मेला है, झमेला है, रेला है, जितनी भी तुकबंदी हम कर लें, लेकिन उसमें आने के बाद बहुत कम लोग हैं जो ठिठक कर ये सोचते हैं कि वो आए क्यों यहां, क्या वजह। उनका जन्म हुआ तो क्या किसी उद्देश्य के लिए हुआ, या ऐसे ही पशु की तरह जन्म लिया और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। हम सबके पास अपने जीवन में कहने के लिए बहुत कुछ होता है और कुछ तथाकथित भाग्यशाली ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो 25-30 साल की उम्र में ही वो हासिल कर लिया जिनको हासिल करने में लोगों को 100 साल लग जाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी के लिए जिसका पैकेज ही 2-3 करोड़ से शुरू होता है, धन के मानक की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये कहा जा सकता है कि धन के मानक पर तो सही बात है, आप 2 करोड़ का पैकेज लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य धन कमाना और यही तमाम चीजें हैं? क्या कभी हमने ठिठक कर, हमारे मन में भी कभी ये जिज्ञासा आती है कि मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद हम जाते कहीं हैं या इसी संसार में खत्म हो गई कहानी? अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया, कोई जमीन के भीतर गया, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीने दबा लिया। कुछ कहते हैं कि जो हम धुएं के गुब्बारों में बदल जाएंगे हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे, उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सच के हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे। तो कोई धुएं के गुब्बार में बदल जाता है यानी अग्नि संस्कार होता है, तो कोई जमीन के भीतर जाता है, लेकिन जन्म से मृत्यु का यह क्रम क्यों? फिर यह भी प्रश्न है कि धन ही अगर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है तो धनी व्यक्ति क्यों पीड़ित है, दुखी क्यों है? और वो जब साधु सन्यासी या आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी जितना धन कहिए प्रस्तुत करता हूं, शांति चाहिए। तो ये प्रश्न हमारे मन में क्यों नहीं आते? क्या हमको कोई श्राप मिला है, शापित हैं हम कि ये नहीं सोच सकते हैं? और जो सोचते हैं क्या वही हिमालय जाते हैं? क्या वही धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ये समझ पाते हैं कि मोक्ष क्या है? गौतम बुद्ध के मन में ये प्रश्न क्यों आया कि जरावस्था यानी वृद्धावस्था क्यों आती है, बीमारी क्यों मनुष्य को घेरती है और मृत्यु क्यों आती है? और इन प्रश्नों ने, अब देखने में बड़े साधारण प्रश्न है, हम रोज अस्पताल जाते हैं, बीमारों को देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं होंगे बीमार, ये प्रश्न क्यों मन में नहीं आता कि मैं इस संसार में क्यों हूं? और क्या वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है? और जिनके मन में नहीं आता, क्या उनका 84 लाख का फेरा चलता रहेगा? कई प्रश्न हैं, जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता से, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूं, विषय आपके समक्ष। मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं किसी विद्वान के साथ अच्छा संभाषण किया है जी, आपकी वार्तालाप हुई है और आपके अंतरचित्त में भी, चूंकि आप भी मुमुक्ष हैं, जिज्ञासु हैं जी, तो आपके अंतरचित्त में एक भाव उत्पन्न हो गया कि मैं क्यों हूं, मैं क्यों हूं, अपने स्व अस्तित्व की यथार्थता और उद्देश्य की दिशा में आपका ध्यान चला गया है। इसके लिए जो शब्द मैंने आपको उपयोग किया
यही चिंतन जब मनुष्य करने लगता है तो वो मनुष्य मुमुक्ष कहलाता है। जब वो इन विचारों को सोचता है, जब भी वो कभी ये सोचता है कि मैं क्यों हूं, तब वो संसार की सारी प्रक्रियाओं के मध्य में हिमालय में होता है। हिमालय का अर्थ होता है एकांत, हिमकालय। हिमकालय तो हिमालय तो प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में है। आपको हिमालय के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। शरीर अस्वस्थ है, आपके पास साधन उपलब्ध नहीं, तो आप थोड़ी हिमालय की कंदराओं में जाकर के, फिर तो वो यशोदा का वो यक्ष प्रश्न आ जाएगा ना कि क्या वो जंगल में ही मिलते हैं, पर्वत में ही मिलते हैं, तुम्हारे पास नहीं मिलते, तो ये चिंतन आ जाएगा। हमारे यहां आचार्य शंकर इस बात को चूड़ामणि में बहुत अच्छे रूप से कहते हैं। चूड़ामणि में वो कहते हैं, दुर्लभम त्रयम एतद् देवा अनुग्रह हेतुकम। तीन दुर्लभता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य संसार में आता है, जिनको प्राप्त करना देवताओं को भी दुर्लभ है, या देवताओं की कृपा से वो तीन इस महती वस्तु को, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने आता है। दुर्लभ कहने का अर्थ होता है जो लब्ध नहीं है, आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो अप्राप्त आपको प्राप्त हो चुका है। दुर्लभम त्रयम एतद् देवा अनुग्रह हेतुकम, मनुष्यतम, मुमुक्षतम, महापुरुष संशया। क्योंकि जिस अदृश्य के प्रति आपकी चेतना आपको चिंतन कर रही है, मैं कौन हूं, वो शरीर के बारे में नहीं कर रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो वो मैं का उच्चारण आपको आत्मानुभूति करा रही है कि मैं इस शरीर में क्यों हूं। मैं शरीर वो प्रश्न और बड़ा हो जाएगा कि मुझे ये शरीर क्यों मिला, क्यों मिला, मैं ये शरीर लेकर क्यों आ गया हूं। जैसे पिताश्री इस पर बड़ी अच्छी बात कहते थे, जब मैंने उनसे पूछा सहज भाषा में, अपने बालपन में पूछा था ये प्रश्न कि दुनिया को हम क्या समझें, दुनिया क्या है, तो पिताजी ने कहा दुनिया की अनंत परिभाषाएं, जिसमें उपनिषद तो कहता है संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा। तो ये गहरी बात है, इसको समझने की मेरी अवस्था नहीं देखी। तो उन्होंने मुझे कहा दुनिया दुनिया मुसाफिर खाना है, जहां आदमी आता है कुछ पल रुकता है और चला जाता है। तो मैंने ये सोचा कि यदि मुसाफिर खाना है तो जाता कहां है, रुकता है बीच का स्टेशन वो दुनिया है, तो किस यात्रा के लिए आता है वो, हम जा कहीं रहे हैं, तो बीच में जो मिला वो मुसाफिर खाना है, तो बीच में हमें दुनिया मिलती है, दुनिया मंजिल नहीं है, हमें दुनिया में जाना नहीं है, तो हम आए कहां जाने के लिए, इस मुसाफिर खाने का उपयोग कहीं और जाने के लिए करने आए हैं। पिताजी ने कहा ये लेन देन की मंडी है, एक ऐसी मंडी है जहां जैसा करोगे अवश्य में भोक्ताबम कृतम कर्म सुभा शुभम, लेन देन चलते रहता है। तो मैंने कहा जन्म जन्मांतर का, सनातन संस्कृति जन्म जन्मांतर की बात करती है। अभी आपने पूछा कि मरने के बाद क्या अनुभूति होती होगी, बहुत सारे लोगों को ये चिंतन है, तो अब ऐसे में ऐसे आदमियों को ढूंढना पड़ेगा ना जो मरने की घोषणा करने के बाद आ गए, लौट आए, उनसे पूछो आपको कैसा लगा। हमारे पुराण ने तो ऐसे आदमियों के बारे में बताया है। आपके जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है शरद जी जिसका उत्तर हमारे वेद पुराण और उपनिषद में ना हो। हमारे यहां बताया है अजामिल को जाके वापस आते हुए, अजामिल तो उस अधर में लटका हुआ था ना, जब यम के दूत उसको पाश में बांध कर खींच रहे थे शरीर से, शरीर निर्जीव था और खींच रहे थे, तब प्रभु के पार्षद आए थे ना, तो उनका संवाद उसने सुना ना कि बोले ये अधम कर्म करने वाला संसार में था तो उसको फल भोगना पड़ेगा, अर्थात हम फल भोगने यहां आए। दूसरे ने कहा नहीं, इसके फल का नाश हो गया है क्योंकि इसने परमात्मा का चिंतन कर लिया है, इसलिए इसे नहीं ले जा सकते थे। तो ध्यान रखिए, हम फल का नाश करने दुनिया में आए, फल खाने नहीं आए। चिंतन समझ लीजिए, दुनिया रूपी माया नगरी में तरह तरह के जो फल लगे हैं उन्हें हम खाने नहीं आए, उनका नाश करने यहां आए, क्योंकि हमने जो खा लिया था वो हमको यहां लेकर आ रहा है, तो हमको यहां लेकर क्यों आ रहा है। 84 लाख योनियों का वर्णन आपसे इस किया इसलिए जाता है कि एक व्यक्ति जो प्राण शून्य होकर जब विचरण करता है तो सुसुप्त तो स्वप्न में ही होता है, उसे अंधकार और देदीप्यमान एक दीर्घ निद्रा लगती है, बिल्कुल वही अनुभूति होती है, अपने गरुड़ पुराण कहते हैं जो अनुभूति उसको घोर निद्रा में होती है, वो तो सोया हुआ है, सुसुप्त सोया हुआ है, और जब जागृत होता है तो फलश्रुति से जागृत होता है।
या तो उसका कोई जन्म हुआ होता है और स्मृतियां उसके साथ जागृत कर देती हैं उसे, या वो अपने घर पर होता है। तो इसके लिए कहा है तीन कौन सा काम, मनुष्यतम, सबसे पहले वो तत्व लेने आए हैं, वो तत्व ही चाबी है। अगर आप संसार में आए हैं दुपद होकर आए हैं तो दुपद तो और भी प्राणी है संसार में जो दो पैर से चलते हैं जी। लेकिन अगर आप, बंदर भी दो पैर से चलता है, चल सकता है, बरमानुष भी दो पैर से चल सकता है, लेकिन अगर आप दुपद होकर आए हैं संसार में और उस योनि को प्राप्त किया है जिसे हरिद्वार कहा गया है, दुर्लभम दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा, और क्षणभंगुर देही दे है आपको, मतलब आपके जीवन में वो दुर्लभता दी है कि ले ये ले और आ जा। तो जाना हमें अपना घर है, प्रत्येक घर जाने वाला व्यक्ति मुसाफिर खाने में रुकता है, तो हम इस मुसाफिर खाने में रुक रहे हैं। यहाँ डॉक्टर साहब एक प्रश्न भी मन में आता है कि हम जीवन में डरते तो बहुत है, धन आएगा कि नहीं इसका डर है, ये भी डर है, वो गौतम बुद्ध जी से नहीं जुड़ता है वो डर, यात्रा में निकले एक्सीडेंट ना हो जाए इस तरह का डर है, अपयश ना हो जाए इसका डर है, लेकिन खुद को जानने का कि बिना खुद को जाने हम संसार से विदा हो जाएंगे इसका भय नहीं। देखिए इसलिए नहीं है जी कि डर हमें उन कार्यों का लगता है जिन कामों में हमारा स्वार्थ होता है या हम नीति विरुद्ध होते हैं, या हमारा स्वार्थ होता है, स्वार्थ इंद्रियों का कि मुझे निकाल ना दें, मेरा ये अहित ना कर दें, मेरा अर्थात शरीर का, तब हम डरते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, या हम अनीति पर होते हैं तब हम डरते हैं। तो इसी अनीति को नीतिपूर्ण जीने से मनुष्यतम आता है आपके पास में, वो तत्व तो प्राप्त होता है कि सबसे पहले आप एक मनुष्य होने की नीति का अनुसरण कर ले। तो नीति का अनुसरण करने के लिए बाहर के लबादे बाद में आएंगे। जो सहजता से परमात्मा ने इस 10 द्वारों की माया नगरी दी है आपको, उसमें प्रत्येक द्वार का सदुपयोग करना है आपको, यही मनुष्यतम है। ये शरीर के जो 10 छिद्र हैं उसका सबका सदुपयोग करना है आपको, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना है, लेकिन फिर मुमुक्ष बन जाना है। हम डरते इसलिए हैं कि हमको लगता है मुमुक्ष बन गए तो कहीं हम सन्यासी ना हो जाएं, हम बाबा ना हो जाएं, हम चंदन चूहा लगा के निकलना पड़े। अपने बारे में जानना जिज्ञासा है, और अपने बारे में जानना जिज्ञासा क्योंकि जिज्ञासा ब्रह्म के बारे में जानना है, तो आप ही तो ब्रह्म है, आप ही तो ब्रह्म है, इसलिए संसार को लेन देन की मंडी कहा गया है, जैसा देंगे वैसा लेंगे। तो एक तो हम संसार चक्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, तुलसी ने इसको और सुंदर ढंग से लोगों को समझाया है कि हम एक द्वार की नगरी में आए हैं, वही प्रश्न जो प्रचेता उत्तर देते हैं, वही प्रश्न जो नारद पूछते हैं। ध्यान रखिएगा ये संवाद, ये सत्संग का अर्थ क्या, इसलिए तो उन्होंने एक इशारा कर दिया, महापुरुष संशया, जो लोग मैं क्यों हूं इस तथ्य को जान गए उनका अनुसरण करिए। फिर वो ऐसे रास्ते के पथिक हैं कि वो जा रहे हैं, जो नहीं मालूम है कहाँ जाना है। आप दुनिया में आए, किसी ने कहा धन नहीं कमाना, खूब कमाना है, जितना कर्म कर सकता है कमा, किसके लिए कमा रहे हैं, यहां छोड़ जाने के लिए। सबसे पहला धर्म ये है कि तू ये जान ले कि जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो छोड़ जाएगा, अच्छा भी छोड़ जाएगा बुरा भी छोड़ जाएगा। जहां एक ओर तू सुंदरतम रसस्वादन वाले रस्म स्थान की सुंदर अनुभूति लेकर जाएगा, वही मदिरा का स्वाद भी तू लेकर जाएगा दिमाग में, लेकिन छोड़ दोनों यहां जाएगा, ये शरीर ही माध्यम है तेरा, तो फिर लेकर क्या जाएगा, ये लेन और देन दे। तो जो छोड़ना है वो दे जा, और जो ले जाना है अपनी, भैया गठरिया बहुत महत्वपूर्ण है पाथे। हम लोग एक ऐसे सफर के यात्री हैं जिसमें वर्णनीय है कि गहरा रेगी रेगिस्तान आएगा, देखिए मन की भाव देखिए, अर्थात वहां पर ऊजर आ जाएगा, मोह जहां नहीं रहेगा, ममता जहां नहीं रहेगा, माया जहां नहीं रहेगी, घनत तो सब छोड़ जाएगा तो गहरे रेगिस्तान में चलेगा, पैरों में पदत्राण नहीं होगा, लोहे की चादर गर्म चादर पर चलेगा। तो ये सारे जो अलंकरण है वो तुम्हारे लिए इसलिए है कि इतनी तप साधना तुझे करना है जी। तो हम दुनिया में आए हैं एक प्रलय को प्राप्त करने के लिए, दुनिया नष्ट हो जाएगी प्रलय से, तो दुनिया नष्ट हो जाएगी प्रलय से, तो हमारे जीवन में जो प्रलय जीते जी आता है वो प्रलय हमारे को हमारे उद्देश्य पर पहुंचाता है, और वो प्रलय है आत्यंतिक प्रलय जी। जिस कहार की बात आप कर रहे हैं वो नित्य प्रलय में मिलेगा हमको, तब हम उससे संवाद करने योग्य नहीं होंगे। लेकिन हम एक ऐसे प्रलय में रहें जिसमें हम मर भी जाएं और फिर अजर हो जाएं,
मर भी जाएं और अजर हो जाएं, जर ना रहे हमारे जीवन में, जड़ता खत्म हो जाए। तो जड़ता का अर्थ होता है जड़ता खत्म हो जाए जीवन में, चेतना हमारे जीवन में बनी रहे। इसलिए बुद्धशील मनुष्य होकर आए हैं, हरिद्वार रूपी शरीर लेकर आए। तो अब आप देखिए जड़ता हमारे शरीर में, पठन्ति चतुरो वेदा खटस्तानी अष्टादश पुरांगता। अब बहुत सारे लोग कह सोचते हैं कि पढ़ने से संसार तर जाएगा। प्रहलाद से उसके साथी लोग पूछते हैं, 5 साल का यार राजकुमार तू कहां, ये नारायण नारायण कहता है, कौन है वो? वो कहते हैं जगत पिता है, मेरे पिता है, तुम्हारे पिता है। तो एक पुत्र बिछड़ा है अपनी मां से, एक पुत्र बिछड़ा है अपने पिता से, उसका उद्देश्य है अपने माता पिता से मिलना। हमारे यहां सिखाया जाता है तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो कौन, तुम्हें हो तुम एव सोहम को हम, तो हम उसी को हैं, उसकी अनुभूति कर ले जीवन, तो तेरे जीवन में अत्यंतिक प्रलय हो जाएगा। खट शस्त्राणी अष्टादश पुरांगता, और आत्म तत्त्वम न जानाति दर्भी पाकर समरसा। हमने दुनिया में सब जान लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन मैं को नहीं जाना। मैं बोलते रहे, इस शरीर को मैं बोलते रहे, लेकिन जो शरीर में बैठकर बोल रहा है उसकी अनुभूति नहीं की, वही पहली जानने आए हैं। तो हम जो है उस करछली की तरह नहीं बनेंगे जो खटपट खटपट हलवा बना रही है, सब्जी बना रही है और दुनिया की पूड़ी तल रही है, लेकिन उससे पूछो कि क्या स्वाद जाना। इसलिए सबसे पहले किसने जाना मैं कौन हूं? प्रहलाद ने, ध्रुव ने, सबरी ने, मीरा ने, रैदास ने, कबीर ने, इन लोगों ने जान लिया मैं कौन हूं। विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, प्रत्येक वो तत्व जो नाशवान शरीर को जान लेता है, वो मैं की प्रक्रियाओं को जान लेता है, अपने आप के स्वरूप को जान लेता है। बाबा तुलसी तो इस मैं को न जानने पर बड़ा अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने मैं जान लिया। वो देखते हैं उनके पास भी लोग पहुंचे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अच्छा, मैं यदि ये शास्त्र पढ़ लूं, ये मंत्र पढ़ लूं, ये यंत्र कर दूं, तो क्या मैं उनको प्राप्त कर लूंगा? चतुराई है आपकी, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, कन्या भोज कराऊंगा, यज्ञ करा दूंगा, किसके लिए, किसकी चतुराई कर रहे हो आप? असत्य संभाषण कर रहे हो, संसार चक्र में मनुष्यता के पथ से हट गए हो, विरक्त हो गए हो, और एक आडंबर का आवरण हो रहे एक भाव बनाने के लिए। मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि मैं कौन हूं। तू जानता है तू कौन है? सबसे पहले समझ ले, दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देही, तू अत्यंत दुर्लभ है भाई। क्यों? देवा देवता भी दुर्लभम मानसम देही, देही नाम क्षणभंगुरा, क्षणभंगुर तेरा शरीर है, पानी की रा बुदबुदा आसमान उसकी जात है। तो एक सांस का ही चोले, आप डरते हो? आपने एक शब्द का उपयोग किया अभी, डरता क्यों है मनुष्य? अब वो मूल है इसलिए डरता है। अब आप किसी से जाके कहो क्यों तो मुझे प्राण देगा क्या? आपने तो दे देगा क्या आपको? लेकिन आपको मालूम है प्रकृति प्रदत्त वो हर सांसों में प्राण को बाहर फेंकता है। सांस का वैज्ञानिक तत्व देखिए ना, ठीक बात, कि आप सांस ले रहे हैं तो प्राण वायु अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं तो अपान वायु बाहर निकलकर चली गई। तो जो छोड़ रहे हैं वो आपका प्राण जा रहा है बाहर, लहराता है आपके सामने, नृत्य करता है, ये निकल गया, नहीं आया तो अंतिम सांस हो जाएगी तेरी, नहीं लौटा तो। जो इतना विस्मयकारी मनुष्य है उसे डरना किस बात के लिए होता है? सही बात। तो वो अपने बाबा तुलसी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी और घूरे पड़े अचार। आप ये बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए कि किसी अचार विचार करने से या किसी व्यवहार से या किसी मधुरता से या किसी पाखंड से आप अपने जीवन में मैं की उपलब्धि कर लेंगे। ठीक बात। मैं आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं आप कौन है ये भीतर से अनंत जन्मों की आवाज हर पल आपके पास घूमते रहती है, इसीलिए तो आप उसका नाम भूल गए हैं। बिछड़ गए हैं तो नाम भूल गए हैं, ध्यान रखिएगा। आपको सुख याद है तो दुख पीछे खड़ा है। लेकिन अभी आपने कहा, लोग बोलते हैं शांति कहाँ मिलेगी? शांति आनंद के उस दिव्य प्रकाश की पुंजल अनुभूति का नाम है। जब जीवन में आनंद आता है ना तो शांति मिलती है। तो आनंद क्या है? आत्मरस का प्रभाव है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं है। जीते जी मरने के बाद का सत्य यदि आप जानना चाहते हैं
जीते जी यदि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाशवान देह के भीतर बैठे हुए उस आत्मा की अनुभूति कर लीजिए, उसको छू लीजिए, क्योंकि वो अनुभूति का विषय है। एषु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते, बिजली के तार में दौड़ता हुआ करंट, खुले मैदान में जो तार दिखते हैं उसमें कभी किसी को करंट नहीं दिखता, लेकिन तार में तार छुप जाए तो करंट का प्रभाव वो दिखता है जीवन में। तो वो प्रत्येक दिन आपके पास है, ध्यान रखिएगा। इक्ष्वाकुकुल में खटमांग भी हुए हैं, ये उदाहरण पुराणों में इसलिए है जीवंत यह इतिहास कि आपको ये आपका मनोबल गिराना नहीं चाह रहे। तो खटमांग जो हुए हैं उन्होंने तो देवताओं के साथ युद्ध लड़के दानवों को पराजित किया और देवताओं ने कहा बोलो क्या आपकी सेवा करें, खटमांग ने कहा मैं कौन हूं ये मुझे जानना है, मैं कौन हूं कोहम ये मुझे जानना है। तो उन्होंने कहा इसके जानने के लिए बोले मेरी आयु बताइए कितनी बची है शरीर की, उन्होंने कहा दो क्षण, दो क्षण। अगर आप क्षण को भाग देंगे तो आप समझ लीजिए सेकंड के अंतर का कुछ पल निकल के आए। तो उन्होंने कहा ये अमृत, बोले अमृत नहीं है, आप सबको मेरा नमस्कार। और उन्होंने ध्यान किया और दो क्षण में एतस्मात परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते, एकाग्र मन से उसकी अनुभूति कर ली, उसको पा लिया। तो दुनिया है मुसाफिर खाने से अपने घर जाने का रास्ता, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दुनिया एक मेला है, दुनिया एक युद्ध की भूमि है जहां आप तमाम प्रकार के विकारों से संघर्ष करते हैं लेकिन मिलना है अपने में। गौतम बुद्ध जब जन्मे तो कुंडलियों ने सदा जन्मे राज युवा राजकुमार की कुंडली देखी और कहा ये तो महान सन्यासी बनेगा। राजा भयभीत हुए, पिता भयभीत हुए, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया, मंत्रणाकारों को बुलाया गया, उन्होंने कहा हम इसको सुख भोग में इतना निमग्न कर देंगे राजन कि क्या सन्यास के बारे में सोचेगा, हम इसको 56 व्यंजन खिलाएंगे, इसका होश संभालते ही इसको नृत्य गायन सुख भोग में इतना डुबा देंगे इसको कि ये जाएगा ही नहीं सन्यास की तरफ। सन्यास तो एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है, कहां जंगल वन की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए खुद को जानने की जिज्ञासा आप में से हम में से कई लोग हैं जो अपने प्रोफेशन के चरम पर हैं, धन प्रसिद्धि यश, लेकिन ऊब नहीं है उनसे अभी। कोई 3 करोड़ कमा रहा है प्रति माह तो उसकी साध है कि नहीं यार, जब अंतिम सांस निकले तो 25 करोड़ एक महीने का क्रम होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, इतना गल्ले में आना चाहिए। ऊबे नहीं है आप इंद्रिय जनित जितने सुख हैं इनसे आप ऊबे नहीं। ऊबा कौन था? गौतम बुद्ध। क्यों एक राजकुमार एक राजा जंगल की तरफ जाता है? इसलिए जाता है कि शायद वो ऊब गया है, उसको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसने देख लिया कि इसका आनंद क्षण भंगुर है। लेकिन ये तंद्रा बहुत सौभाग्य से 25 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में जो गौतम बुद्ध जी की रही होगी वहां टूट गई। आपकी हमारी तो जीवन भर नहीं टूटती, जीवन भर हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मृत्यु तक हमें कुछ ना कुछ चाहिए, और उसके बाद भी कल्पना यह है कि मृत्यु बड़ी सुखकारी हो, तब हम नहीं चाहते वेंटिलेटर लगे, अस्पताल जाना पड़े, एक दिन उठे ही ना सुबह, सब कुछ बहुत सहज हो जाए। मृत्यु भी चाहिए तो बड़ी सहज मृत्यु चाहिए, यानी अहंकार अज्ञानता के जिस लबादे को ओढ़कर हम आए हैं उसी के साथ विदा हो जाए। गोस्वामी जी बहुत धन्यवाद, समय की कमी है नहीं तो मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता। तो यही हम सब का फलसफा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत गंभीर है कि मैं इस संसार में क्यों आया। उत्तर आप ही को ढूंढना है, हमें ही ढूंढना है, कोई मदद नहीं करेगा। और जितनी गंभीरता से ये सवाल आपके हमारे मन में गूंजेगा उतना ही गंभीर उत्तर भी आएगा। तो उस प्रत्युत्तर के लिए अपने को तैयार करिए, यही जीवन का सार है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।